everyone, welcome to our channel. In this channel, you'll get detailed information about more than 3,000 courses, career options, and lot more information. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट खबरी पर, जहां पर हम बात करते हैं आपकी क्यूरी की, आपकी प्रॉब्लम की, और हम आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि किस परसेंटाइल पर आपको एडमिशन पर कॉलेज मिलेगा। सबसे पहले जेईई मेन परसेंटाइल वर्सेस एनटीएस स्कोर की बात करते हैं। कैंडिडेट्स विल कम अक्रॉस थ्री टर्म्स, जैसे कि रॉ मार्क्स, एनटीए मार्क्स एंड परसेंटाइल। तो लेट अस से द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज 300 एंड 9 कैंडिडेट्स हैव ऑब्टेन्ड 250 आउट ऑफ 300। तो 250 मार्क्स इज द रॉ मार्क्स। सो चलो अब सपोज करते हैं एक टोटल ऑफ 100 कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं जेईई मेन में, देन द परसेंटाइल एंड एनटीए स्कोर विल बी कैलकुलेटेड बाय, सबसे पहले रॉ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स जो कि 250 है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑब्टेन्ड सेम रॉ स्कोर जो कि 9 है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम लिया वो है 100, देन द एनटीए स्कोर और जेईई मेन परसेंटाइल विल बी 100 माइनस 9 जो कि है 91। बात करें एनआईटी और आईआईटीज परसेंटाइल की, तो अगर एनआईटीज में पढ़ना है आपका शौक, तो आपको अपनी परसेंटाइल 89-96 परसेंटाइल तक रखने से टॉप एनआईटीज में ब्रांच मिलने की आशा आप रख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है इसलिए ये नंबर हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बात करें हम रैंक की, तो आपको अपनी रैंक 15,000 से 20,000 के बीच में रखनी पड़ेगी, और अगर आप एम कर रहे हैं आईआईटीज की, तो उसके लिए आपको अबव 80 परसेंटाइल और विद इन 25,000 रैंक चाहिए होगा। जेईई मेन परसेंटाइल वर्सेस रैंक 2020। तो जेईई मेन परसेंटाइल स्कोर क्या है? जेईई मेन परसेंटाइल स्कोर बताता है कि किस तरह से कैंडिडेट ने परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे एग्जाम के लिए। जो परसेंटाइल है इज नेदर द परसेंटेज स्कोर नॉर द रॉ मार्क्स। द परसेंटाइल स्कोर ऑफ जेईई मींस टेल्स दैट कि स्टूडेंट्स कितनी परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं एग्जाम के लिए स्कोर किए हैं लेस और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल इन दैट एग्जामिनेशन। तो फॉर्मूला क्या है टू कैलकुलेट जेईई मेन परसेंटाइल स्कोर? परसेंटाइल स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इज इक्वल टू 100 into the number of students who secured a raw score or an actual score that is equal to or less than the student. इस formula से the raw marks of the students are normalized and expressed as percentile score, which is also called NTS score, and the discrepancy caused by variation of difficulty level across various sessions are eliminated. तो इस वीडियो के थ्रू हम आप तक जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते थे हमने पहुंचा दिया। अब आगे का काम आपका है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और रुके रुके आपका जो भी परेशानी है या डाउट है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्या डाउट है आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड, या कॉलेज की फीस, या है कोई ब्रांच या सिलेबस या एंट्रेंस एग्जाम? सवाल आपके और वीडियो में जवाब हमारे। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। थैंक यू।